दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की। उनमें से एक नशीली दवाइयों का आदि था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में पले बड़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए? पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाइयों के आदि हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं, आपको यह सब करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। वो नशीली दवाइयों के आदि थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को हर दिन पीटा करते थे। तो फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा इंसान बन गया। जब दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं? तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और जरा सोचिए, उसने क्या कहा? मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक ने उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया और दूसरे ने गलत ढंग से। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता शायद मुश्किल साबित होता है। धन्यवाद दोस्तों।